आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के नेक्स्ट वीडियो की, यानी कि नेक्स्ट पार्ट की। इससे पहले हमने जो वीडियो कराई थी उसमें 12 तक सवाल करा दिए थे। इस वीडियो में हम 12 से अगले वाले सवाल, यानी 13, 14, 15, 16 ऐसे आगे के सवालों को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 13वां सवाल। जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख लें, क्योंकि वहाँ से हमने बेसिक कंसेप्ट बताए थे, उनको बताया था। इसमें क्या है, मैं आगे की बात करूँगा, बेसिक चीज़ें कुछ नहीं बताऊँगा, बिल्कुल सवाल को समझा दूँगा। सवाल जो आप पढ़ाने का तरीका ये रहेगा, यदि आप सवाल की लास्ट लाइन भी देखोगे वहाँ से भी समझ में आएगा, सवाल का जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखोगे वो भी समझ में आएगा, लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप पूरा देखोगे। समझ में सब कुछ आएगा, इस समझाने की गारंटी पूरी है, ठीक है, पर मज़ा की कोई गारंटी नहीं है। मज़ा तो तभी आता है जब हम फिल्म को शुरुआत से देखते हैं कि कौन विलन है, किस बात पर लड़ाई हो रही है और क्या इसका एंड है, ठीक है ना। लेकिन समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, समझाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो देखिएगा 13वां सवाल क्या कह रहा है। 13वां सवाल है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5। एक्स प्लस 5 तब है जब 1 से छोटा है x या उसके बराबर है, और x माइनस 5 तब है जब 1 से बड़ा है। तो इसमें क्या है, क्या फलन ये संतत है, यानी ये वाला जो फंक्शन है ये संतत है या नहीं है, ये बताना है। तो अब इसमें पता नहीं है किस पर चेक करना है, तो हमें तो सारे वैल्यू चेक करनी होंगी, यानी एक से बड़े पर, एक से कम पर और एक पर। तो जाहिर सी बात है एक से बड़े पर भी संतत है और एक से छोटे पर भी संतत है, हमने पहले ही बता दिया था। यानी कि जो पहले हम के कोई पूर्णांक मानते हैं और एक से बड़े सारे पूर्णांकों पर ये संतत है और एक से छोटे पर सभी संतत है। बात करते हैं एक पर। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये मैंने कैसे बता दिया कि एक से बड़े पर संतत है, तो ये पहली वाली वीडियो में जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने खूब बताया था कि जब ज़्यादा बड़े पर और कम पर एक संख्या आती है और एक ही आपकी समीकरण आएगी, तो एक समीकरण तो हमेशा संतत रहती है, ठीक है। बात करते हैं एक पर चेक करेंगे, ठीक है। कोई भी सवाल आ जाए डायरेक्ट आप एक पर चेक करना, ऐसे सवालों पर जो भी यहाँ पर दे रखा है उस पर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, यहाँ से बनाता हूँ 13वें सवाल का सॉल्यूशन, और मैं चेक कर रहा हूँ x बराबर 1 पर, ठीक है। x बराबर 1 पर चेक करेंगे हम। तो आपका संतत होने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए, क्या, LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू। तो पहले फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ मैं, f x बराबर 1, x बराबर 1 यानी कि x बराबर 1, तो 1 वाला फंक्शन कौन सा है, x बराबर 1। देखिए ये वाला बराबर लग रहा है, ये वाला लिया जाएगा x प्लस 5, फंक्शन तो लिया जाएगा x प्लस 5, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टोटल आ गई 6। समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं LHL निकालते हैं, LHL का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका x टेंड्स टू क्या लेते हो, यहाँ पे 1 पे चेक कर रहे हो तो 1 लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे माइनस। माइनस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये लेफ्ट हैंड को दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड को माइनस और राइट को पॉजिटिव दिखाते हैं, और लिख दोगे एफ एक्स। अब लिमिट, अब यहाँ पे लिख दोगे 1, ठीक है। अब माइनस का मतलब क्या होता है, 1 से कम। यदि 1 यहाँ पर है तो 1 से माइनस का मतलब लेफ्ट की साइड में, लेफ्ट की साइड में चलोगे तो 1 से कम होता है वैल्यू, और इधर की राइट में चलोगे तो 1 से बड़ी, तो 1 से कम। तो 1 से कम कौन सा है, देखो ये वाला, ये 1 से कम वाला फंक्शन है और 1 से बड़े वाला ये है, तो 1 से कम ये वाला लिया जाएगा, कितना, x प्लस 5। अब यहाँ पर लिमिट रख दीजिए, x की जगह पर 1 रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 6। देखिएगा अभी भी बराबर आ रही है, यदि यहाँ पर ये बराबर नहीं आती तो सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाता है, ये संतत नहीं है। लेकिन यहाँ तक बराबर आ गई तो अब राइट हैंड भी लिमिट देखी जाएगी, तो राइट हैंड लिमिट देखिएगा, RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। राइट हैंड में हमने क्या बताया था, 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 लगाया, पॉजिटिव इसलिए लगाया क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। एफ एक्स, आगे चलो, अब हम फंक्शन लेंगे, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये देखिए, अब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से तो फंक्शन चेक किया जाएगा कौन सा लेना पड़ता है। तो 1 इधर है, 1 से इधर चलेंगे पॉजिटिव की तरफ, तो ज़्यादा, और 1 से ज़्यादा पर कौन सा, ये वाला फंक्शन है, यानी कि एक्स माइनस 5। अब यहाँ पर क्या है, आप अपनी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर 1 रख दीजिए, 1 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, 1 में से 5 जाएंगे माइनस 4, ठीक है। अब क्या देखो, क्या ये बराबर आ रही है, फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही है, तो आप लिखोगे चूँकि ये क्या है आपका एफ एक्स बराबर 1, ये बराबर आया LHL के,
ये दोनों तो बराबर आए, लेकिन ये बराबर नहीं आया, ठीक है, एल एच आर एच एल बराबर नहीं आया, तो ये लगा दी, इसका मतलब ये क्या बराबर नहीं है, तो लिख दोगे इसलिए एक्स बराबर वन पर एफ एक्स कैसा है, संतत नहीं है, क्या संतत नहीं है, समझ में आ गई बात, इस तरीके से लिखना होगा। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी जगह मेरे पास पर्याप्त है, तो मैं दूसरा सवाल इधर करा दे रहा हूँ आपका, चौदहवा, ठीक है। देखो चौदहवें सवाल में आपका सांतत्य यानी कि सांतत्यता पर जांच करनी है कि ये सांतत्य है या नहीं है, यानी इस पर विचार करना है। तो फंक्शन वही है, कुछ बच्चों का ये डाउट आता है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चे इसको गलत कर देते हैं। गलत क्यों करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि सर इसमें तो एक्स दे नहीं रखा है, तो ये तो सवाल गलत है। सवाल गलत नहीं है, ठीक है। देखो इसको करते हैं, पहले तो इसको समझो, सवाल को पढ़ेंगे कैसे। देखो इसमें इस चीज़ इन दोनों को देखो, तो इसमें क्या है, यहाँ पर वन आ रहा है, यहाँ पर वन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर तो चेक करेंगे वन पर, और इन दोनों को देखो नीचे वालों को, यहाँ पर तीन और यहाँ पर तीन आ रहा है, तो यहाँ पर करेंगे तीन पर चेक। तो मतलब इस सवाल को हम दो बार चेक करेंगे, एक बराबर तो चेक कर रहे हैं हम एक्स बराबर वन पर, वन पर चेक करो, ठीक है। तो करो वही चीज़ निकालनी है, पहले फंक्शन की वैल्यू निकालो, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स बराबर वन पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, देखिएगा यहाँ पढ़ो एक्स बराबर वन कौन सा, देखो ये रहा वन से छोटा यानी जीरो से बड़ा, और जीरो के बराबर पर तीन लिया जाएगा, और वन से छोटा और वन के बराबर पर भी ये वाला फंक्शन ले जाएगा तीन, समझ में आ गई। यदि यहाँ पर तीन एक्स होता, जैसे यहाँ पर हमने ये लिया था एक्स प्लस पाँच, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर केवल तीन है, तो आप तीन ले लोगे, क्या दिक्कत है। जब एक्स नहीं है तो एक्स की वैल्यू रखी नहीं जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तीन आ गई। भाई यहाँ पर जैसे पाँच था, पाँच पर कोई छेड़ाखानी करी नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स था, तो एक्स की जगह पर वन रखा, ठीक उसी प्रकार से इसमें एक्स है ही नहीं, तो कहाँ पर रखोगे वन, कहीं पर नहीं, तो ये तीन आ, क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं, अब फिर निकालते हैं हम एल एच एल। भाई रूल वही है, बस अप्लाई करने में आदमी क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, देखो एल एच एल, एल एच एल का मतलब ही क्या था, लिमिट किस पर चेक कर रहे थे, वन पर, तो वन और माइनस लिख दोगे एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझो, वन से कम, लेफ्ट माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट का मतलब कम, वन से कम, वन से कम पर देखो ये रहा, वन के बराबर भी यही और वन से कम पर भी यही, तो ये तीन वाला फंक्शन। तो सीधी सीधी बात है, अब तो यहाँ पर एक्स है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट और एक्स टेंड्स टू वन, जैसे यहाँ पर लिखा था हमने, और ये फंक्शन कौन से लिए, एक्स प्लस पाँच आया था, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, तीन आ रहा है फंक्शन, तीन आ गया। यहाँ पर एक्स है ही नहीं, तो लिमिट कहाँ पर रखोगे, इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वन रखो, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा, ठीक है। अभी भी बराबर आ रहा है फंक्शन। अब देखिए आर एच एल एल निकालो, आर एच एल, चलो करो आर एच एल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, वही लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। अब लिमिट यहाँ पे वन लिखोगे, अब बताओ फंक्शन कौन सा ले, वन से अधिक, पॉजिटिव का मतलब वन से बड़ा, वन से बड़ा कौन सा, देखो ये रहा, वन से बड़े पर एक्स का मान वन से बड़ा है, और तीन से छोटा, तीन की तरफ मत जाओ, सीधे वन से देखो, वन से बड़े कौन सी कंडीशन है ये वाली, तो चार लेना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार आ गया, तो मतलब क्या आ गया, इसकी लिमिट कितनी आ गई, चार आ गई। तो ये दोनों तो बराबर आए, लेकिन ये बराबर नहीं आए, तो यही चीज़ लिख दोगे आप, क्योंकि एफ एक्स बराबर वन इक्वल आ रहा है एल एच एल के, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा आर एच एल के, इसलिए एक्स बराबर वन पर एफ एक्स कैसा है, संतत नहीं है, यानी लिख दोगे असंतत है, या लिख दोगे आप संतत नहीं है, ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक उसी प्रकार से अब नाउ अगेन करोगे, नाउ अगेन चेक करो एक्स बराबर तीन पर, इसको रेड पेन से लिखूं, ब्लू से लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए, तीन पर चेक करो। जब एक्स बराबर तीन पर चेक करोगे, वही प्रोसेस दोहराना है, ये आपका होमवर्क है, आप करके हमें व्हाट्सएप नंबर पर इस वाले पर सेंड कर सकते हो, ठीक है। क्या है कि आप तीन पर चेक करोगे, ठीक उसी प्रकार से मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर तीन, तीन पर, तो एक्स बराबर तीन, तो तीन पर कौन सा फंक्शन है, देखो एक्स बराबर तीन, देखो ये रहा,
तीन से बड़े पर और तीन के बराबर पर पाँच लिया जाएगा तो पाँच आ जाएगा। दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि तीन से छोटे की बात करेंगे हम, तो तीन से छोटा देखो ये रहा, तीन से छोटे पर क्या आ जाएगा चार, तो इसमें तो दो ही चीज़ निकालनी पड़ेंगी, यहाँ पर चार आ जाएगा, यहाँ पर पाँच, यहाँ पर चार, तो आप कह दोगे एफ एक्स बराबर तीन नॉट इज इक्वल टू एल एच एल। ठीक है चलो मैं ये कर दूँ, अरे कर ही दिया यार, देखो चलो इसको स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आपको समझाता हूँ यहीं पर। ठीक है देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो यहीं से हो जाएगा ये तो सवाल। देखो सिंपली आपको यहाँ से क्या है, अब x बराबर तीन पर चेक करो, तो पहले निकालो x, x बराबर तीन, तो तीन पर कौन सा फंक्शन आ रहा है, देखो तीन, ये रहा तीन बराबर यहाँ पर आ रहा है पाँच आ गया पाँच। अब LHL निकालो, LHL के लिए क्या थी कंडीशन, ये किस पर चेक कर रहे हो तीन पर, माइनस लगा दो एफ एक्स, अब लिमिट x तीन, तो तीन से कम, माइनस का मतलब क्या लेफ्ट यानी कम, और कम पर कौन सा तीन से कम, देखो ये रहा एक्स का मान तीन से कम, ये यहाँ पर क्या है देखिए ये वाला है, ये वाला तीन से कम, ये वाला क्या है एक्स तीन से ज़्यादा, ऐसे लिखा हुआ है एक्स तो मतलब क्या तीन से ज़्यादा। ठीक है और एक्स इधर लिखा हुआ है ये तो मतलब क्या है यहाँ पर भी ये तीन से ज़्यादा, जिधर ये मुँह खुला होगा एक्स तीन से ज़्यादा है, लेकिन यदि इस तरीके से लिखा हुआ है तो मतलब क्या है कि ये जिधर बंद होगा वो कम है, यानी कि x का मान तीन से कम है, तो ये वाला ठीक है तीन से कम है, तो ये तीन आ गया तीन से कम पर, तीन से कम पर कौन सा फंक्शन आएगा, तीन से कम पर फंक्शन है चार, तो ये चार आ जाएगा, x इसमें है नहीं तो क्या है सीधे सीधे चार का चार रहने दोगे, तो ये दोनों ही बराबर नहीं आए तो यहाँ पर तो लिख दोगे आप सीधे सीधे कि एप नॉट इज इक्वल तीन पर नॉट इज इक्वल टू आर एच एल, बस इतना ही रहने दो, इसके बाद में लिख दोगे एक्स बराबर तीन पर संतत नहीं है। ठीक है क्लियर होगी बात, अब अगले सवाल पर चलते हैं आप। ठीक है तो रब कर रहा हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। चलो अब आ जाते हैं अपने पंद्रहवें सवाल पर, पंद्रहवा सवाल और सोलहवें सवाल दोनों सेम सेम है, वही शांतता पर विचार करना है। इसमें भी देखो वही चीज दे रखिए, दोनों में एक्स लग रहा है यहाँ पर एक में एक्स लग रहा है, बहुत सिंपल है, दोनों चाहो तो दोनों में आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है देखिएगा यहाँ पे हमने क्या है दो दो तरीके से देखो, पहले इन दोनों को देखो फिर इन दोनों को देखना, इन दोनों को देखोगे तो क्या चीज़ है यहाँ पर जीरो आ रहा है, यहाँ पर जीरो आ रहा है तो इस पर तो जीरो पर चेक करेंगे और यहाँ पर क्या है वन पर चेक करेंगे। ठीक है तो पहले चेक करो पंद्रहवें सवाल का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो पहले चेक कर रहा हूँ मैं जीरो पर, तो डायरेक्ट अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूँगा, एक्स बराबर जीरो पर, जीरो पर कौन सा फंक्शन है एक्स बराबर जीरो पर, देखो ये रहा जीरो बराबर आ रहा है एक्स बराबर जीरो, तो ये जीरो आ गया जीरो। अब दूसरे पे एल एच एल निकालनी पड़ती है, एल एच एल निकालो, एल एच एल निकलती कैसे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, तो जीरो नेगेटिव यानी कि नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड में, जीरो से कम कौन सा है यही फंक्शन है जीरो से कम, तो जीरो आ गया, तो डायरेक्ट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं तो जीरो। अब आर एच एल निकालो, आर एच एल निकालोगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कौन सा है, जीरो से बड़ा देखिएगा ये रहा, ये जीरो से बड़ा एक्स, अरे रुक जाओ इस वाले को देखते हैं दोबारा से ढंग से, इस पे क्या था लेफ्ट हैंड जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा ये है एक्स, जीरो से छोटा यहाँ पर है जीरो से छोटा तो टू एक्स आएगा, इसमें फंक्शन कौन सा आएगा 2x, जब 2x आएगा तो यहाँ पर x है वहाँ पर जीरो रख दोगे तो दो गुणा जीरो x की जगह पर जीरो रख दिया तो ये भी जीरो आ जाएगा। अब दो जीरो से बड़ा फंक्शन एल एच एल में क्या है जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा है x ये वाला तो ये जीरो आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिमिट रख दोगे x टेंस टू जीरो और यहाँ पर क्या है जीरो मतलब क्या आ जाएगा जीरो, तो ये तीनों चीज़ें बराबर आ रही हैं तो आप लिख सकते हो चूँकि एफ एक्स बराबर जीरो तथा एल एच एल और आर एच एल बराबर हैं तीनों, इसलिए एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स संतत है। अब इतना तो डायरेक्ट लिख लिया करो, ठीक है ये संतत है। अब इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं, नाउ अगेन लिख दोगे क्या एक्स बराबर, अब चेक करना है आपको
एक्स बराबर वन पर, वन पर एफ एक्स बराबर वन रखो, वन पर एक्स बराबर वन, देखो वन के बराबर ये वाला फंक्शन जीरो, जीरो आ गया। फिर एल एच एल निकालो, एल एच एल का मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स, वन से कम, वन से कम कौन सा, देखो ये रहा वन से कम, वन से कम जीरो, तो ये भी वन और ये जीरो आ जाएगा, तो मतलब जीरो आ गया। अब आर एच एल लो, आर एच एल तो लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। आर एच एल का मतलब क्या, वन से बड़ा, तो वन से बड़ा कौन सा, देखो एक्स का मान वन से बड़ा है ये वाला, तो चार एक्स लिमिट, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, चार एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे लिख दोगे एक्स टेंस टू वन, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर वन रख दोगे, तो चार गुणा वन, तो कितना आ जाएगा चार। तो ये क्या है, देखिएगा ये बराबर आया, ये बराबर आया, लेकिन ये बराबर नहीं आया, तो आप लिख दोगे एफ एक्स बराबर वन बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, ये बराबर नहीं है, इसलिए एक्स बराबर वन पर ये संतत था, ये संतत नहीं है, ठीक है। ये आपका 15वां सवाल हो गया। अब बात करते हैं 16वें सवाल की, तो 16वें देखिएगा, इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या माइनस वन आ रहा है, और इस पर देखोगे तो देखिएगा ये माइनस वन आया, ये माइनस वन आया, लेकिन यहाँ पर वन और ये वन, यहाँ पर वन पर चेक करेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको दो इन सवालों में देखो, यहाँ पर माइनस वन दो चीज़ कॉमन है दोनों में, उस पर चेक करते हैं, यहाँ पर माइनस वन पर, यहाँ पर वन पर, ठीक है, क्लियर है। तो बाकी सब वही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसी सवाल में कर दे रहा हूँ करेक्शन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर उसको कराता हूँ मैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ जा करे तो उसको लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आप वीडियो चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, आपको पता है बीच में मैंने वीडियो रोक दी थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। तो देखिएगा ये यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले माइनस वन पर चेक करूँगा, तो यहाँ पर रख दोगे माइनस वन, ठीक है। तो करो मैं इसको रेड पेन से करेक्शन करता जाऊंगा, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा तो माइनस वन, ठीक है, माइनस वन लगाओ जरा, जैसे ही माइनस वन लगाओगे यानी एक्स बराबर माइनस वन, माइनस वन पर कौन सा फंक्शन है, ये माइनस दो, तो ये माइनस दो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं एल एच एल, एल एच एल पर क्या है, यहाँ पर लिख दोगे माइनस वन और नेगेटिव, माइनस वन तो ये संख्या है, उस पर नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो माइनस वन पर कौन सा फंक्शन ले जाएगा, माइनस वन से कम पर, ये भी माइनस दो ही है, तो ये माइनस दो आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख दोगे माइनस वन माइनस नेगेटिव, माइनस दो आ जाएगा, तो ये सीधा का सीधा क्या आ गया, माइनस दो आ गया, ठीक है। फिर राइट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लिख दोगे आप माइनस वन पॉजिटिव, अब माइनस वन पॉजिटिव पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, माइनस वन से अधिक, तो माइनस वन से अधिक ये वाला, तो क्या है टू एक्स, तो लिख दोगे लिमिट माइनस वन और टू एक्स, और यहाँ पे माइनस वन रखोगे तो डायरेक्ट क्या है दो गुणा एक्स की जगह पर माइनस एक, तो यानी कि माइनस दो आ जाएगा। तो ये एल एच यानी कि एक्स बराबर माइनस वन पर ये तीनों वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू बराबर आ रही, संतत है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक पर चेक करेंगे, तो एक पर, तो एक्स बराबर एक पर फंक्शन कौन सा है, ये टू एक्स है, तो यहाँ पे x बराबर फंक्शन क्या है 2x, और x की जगह पे 1 लगाएंगे तो 1 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो लिमिट 1 नेगेटिव यानी कि 1 से कम, 1 से कम पर फंक्शन कौन सा है, 1 से कम ये रहा 2x, ये भी 2x है, तो यहाँ पर 2x रख दोगे, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर 1 रखोगे तो यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन पॉजिटिव यानी वन से अधिक, आर एच एल की बात करेंगे, वन से प्लस पर वन से अधिक कौन सा है, ये वाला फंक्शन टू, तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पर टू आ रहा है, ये आ गया टू, यहाँ पर तो वन है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये लिख दो कि बराबर हैं, एक्स बराबर बराबर हैं, तो वन पर क्या है संतत है, संतत है, दोनों पर संतत आ रहा है, इस तरीके से सवाल करने होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब सवाल का पैटर्न बदलता है, आगे की 17वां सवाल क्या है, 17 और 18 सवाल बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को इंपॉर्टेंट कर लेना, दोनों एक जैसे सवाल हैं, देखो करते हैं। 17वां सवाल कह रहा है कि ए और बी के मान ज्ञात करो यदि ये फंक्शन जो है एक्स बराबर तीन पर संतत है,
या ए और बी के किन मानों पर ये फंक्शन एक्स बराबर 3 पर संतत है। तो ओवरऑल आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए, हमें जो ए और बी आ रहे हैं इनके मान निकालने हैं यदि ये एक्स बराबर 3 पर संतत है फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही नीचे लैम्डा बराबर क्या, लैम्डा का मान निकालना है यदि ये एक्स बराबर 0 पर संतत है, एक सवाल इतना। सवाल का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है कि एक्स बराबर 1 पर विचार कीजिए, तो एक्स बराबर 1 पर तो आप विचार कर ही लोगे जैसे अभी तक किया है, बस लैम्डा का मान निकालना, बता दूँ आपको ये चीज़ नहीं है। तो पहले 17वें सवाल का सॉल्यूशन करते हैं, फिर 18वां तो तुम अपने आप भी कर सकते हो, 18वां फिर भी मैं कराऊंगा, ठीक है। ये सवाल ने कहा है x बराबर 3 पर संतत है, तो आप लिख दो चूंकि x बराबर 3 पर संतत है, ये संतत है x बराबर 3 पर, क्या संतत है। तो संतत होने की कंडीशन आपको पता है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू और LHL और RHL ये तीनों चीज बराबर रही है, ये संतत तभी तो हुआ होगा जब ये तीनों चीज बराबर आई होंगी। बिल्कुल सही बात है भाई, तीनों चीज बराबर आती है तभी संतत होता है। अब इनकी वैल्यू रख दो, x बराबर 3 पर फंक्शन कौन सा है, x बराबर 3 पर फंक्शन है ये, यानी कि ए एक्स प्लस 1। ऐसे सवालों में x का मान बाद में रखना, ठीक है। और लिमिट LHL, LHL के मतलब कौन सा है, LHL की जो लिमिट है आप लिख दोगे लिमिट x टेंस टू 3, 3 पर चेक करें 3 नेगेटिव और एफ एक्स बराबर LHL की मतलब क्या है 3 पॉजिटिव और x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। ये यहाँ पर तो x की जगह पर कितना रख दोगे 3 रख दोगे, 1 गुणा 3 प्लस 1, क्योंकि 3 की वैल्यू निकाल लें। 3 से कम वाला फंक्शन कौन सा है, 3 से कम वाला फंक्शन ये है, तो लिख दोगे लिमिट x टेंस टू 3 और कम वाला फंक्शन है ए एक्स प्लस 1 बराबर। ऐसे ज़्यादा वाला फंक्शन यहाँ पर तो लिमिट चेंज कर दोगे और फंक्शन कौन सा, ज़्यादा फंक्शन ये है बी एक्स प्लस 3, ठीक है। और जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 3, आप चाहो तो इस लाइन को ना लिख के डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, क्योंकि x बराबर 3 पर ये वाला फंक्शन और x की जगह पर 3 रख ही दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वाला फंक्शन और लिमिट, ठीक है। ये इस तरीके से चाहो तो ये कर देना, एक लाइन और बढ़ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें 3a+1 बराबर, यहाँ पर 3 रखोगे 3a+1 बराबर, ये यहाँ पर 3 रखोगे तो 3b+3, ठीक है। ये आ गई एक समय का, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ के बाद में बहुत सिंपल है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये तीन समीकरण सी बन रही हैं आपकी, एक पहली समीकरण, एक दूसरी समीकरण और एक तीसरी समीकरण, तीन समीकरण बन गई। इन तीनों समीकरणों को हल करके आपको ए बी, ए और बी के मान निकालने हैं, तो निकल गए भाई। देखो इन दोनों को लेंगे तो ये तो बराबर आ रहे हैं, तो इन दोनों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इन दोनों को बराबर मत लो, आप लो समीकरण एक व तीन से, ये और ये इन दोनों को बराबर रखो, 3a+1 बराबर 3b+3, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 3a-3b बराबर 3-1, एक इधर चला जाएगा, तो 3a-3b बराबर 3 में से एक गया 2, इसको समीकरण 4, ये चौथी समीकरण आ गई आपकी, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, जब भी कभी भी आपको जैसे ये दोनों समीकरण है ये दोनों बराबर आ रही हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम इसके साथ हम बराबर लेंगे तो जाहिर सी बात है चौथी समीकरण भी बराबर आनी है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। जब इस तरीके की कंडीशन बन जाए तो आपको डायरेक्ट मान नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो बराबर आ जाए, दोनों बराबर आएंगे तो इनके क्या मान निकलेंगे, कुछ भी मान नहीं निकलेगा भाई, हमें एक ही वेरिएबल है जैसे ए आ रहा है और यहाँ पर सेम टू सेम संख्या आ रही है, जब सेम सेम दो समीकरण आ जाती हैं उनमें फिर मान नहीं निकलते हैं, ठीक है। जब देखिए एक वेरिएबल हो और दोनों बराबर आ रही हैं समीकरण, तो फिर उसके मान क्या निकलेंगे, जीरो निकलेगा, सीधी सीधी बात है, क्योंकि एक का मान जीरो रखोगे तो यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन तब आपको समीकरण इस तरीके से सॉल्व करनी होती है कि जब आप इसको समीकरण मत बनाओ चौथी, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर दीजिए, ये तीन को इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3a+2+3b हो जाएगा, और एक का मान इधर लेके जाएंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका निकल जाएगा ये 2/3 कह दीजिए प्लस 3b/3 कह दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा तो ओवरऑल ए का मान कितना निकल जाएगा, 2/3 + b इतना आ जाएगा, तो ए का मान इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आ गया, ए बराबर 2/3 + b, ठीक है। और आप यहाँ से बी का मान निकालना चाहो तो बी का मान निकाल दीजिए, बी का मान कैसे निकलेगा, आप बी का मान ऐसे निकाल दीजिए a-2/3, ये बी का मान निकाला तो 2/3 इधर चला गया a-
तो ओवरऑल ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक मान नहीं पूछा है, यानी कि इसका सवाल में ये था कि x बराबर 3 पर संतत है तो a और b के सभी मानों को निकालो, इस सवाल में ये कहा था। तो वो सभी मान निकल जाएंगे आपके जिन पर ये संतत है, तो ये सभी संतत आएगी। a का मान कुछ भी रख लेंगे तो b का मान निकलता रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से ये सवाल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जब दोनों बराबर आ जाएं तो आपको सवाल ऐसे ही सॉल्व करना है, यानी कि एक वैल्यू नहीं, आप एक समीकरण सी बनाकर छोड़ दो, चाहे इसको या इसको किसी भी एक समीकरण में छोड़ दो, एक के मान इतने पर सभी क्या हो जाएंगे, संतत हो जाएगी, ठीक है। अब मैं दूसरे 18वें सवाल पर करता हूँ, मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा समझना। 18वें सवाल भी ऐसा ही कह रहा है, इसलिए मैं मिटा रही है कि x बराबर 0 पर संतत है, तो x बराबर 0 पर संतत है तो लैम्डा का मान निकालो। ये सवाल में लैम्डा का मान निकाला, यहाँ पे दो वेरिएबल थे, यहाँ पे केवल एक है, इस लैम्डा का मान निकल जाएगा। अब देखो कैसे निकल जाएगा, तो x बराबर 0 पर संतत है तो सीधे ये निकल जाएगा, ठीक है। 18वां सवाल है ये, तो x बराबर 0 पर लगाओ पहले वैल्यू, x बराबर जब 0 पर लगाओगे, 0 पर बराबर आ रहा है तो ये चीज़ आ जाएगी, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वेयर -2x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx और लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और fx। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट के लिए पॉजिटिव, लेफ्ट के बाद में कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी तो वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर x बराबर 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 माइनस 0 हो जाएगा। इसमें 0 से कम, नेगेटिव का मतलब क्या, 0 से कम कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, लिमिट पहले लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 और कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, यही वाला लिया जाएगा लैम्डा x स्क्वायर -2x, ठीक है बराबर। और इसको तो मिटा दे रहा हूँ मैं, तो 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ा, 0 से बड़े पर 4x वाला फंक्शन लिया जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और 4x प्लस 1। समझ में आ गई बात, अब जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 0 रख दीजिए तो 0 ही हो जाएगा पूरा, लैम्डा का मल्टीप्लाई 0 में करोगे, यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर ये 0 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये वाली देखिएगा समीकरण, इसमें कहीं पर लैम्डा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब लैम्डा के तो लैम्डा की जरूरत ही नहीं पड़ रही, और लैम्डा की जरूरत नहीं पड़ रही तो मतलब लैम्डा के सभी मानों पर क्या है ये संतत है, यानी लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये x बराबर 0 पर संतत है, मतलब लैम्डा का कोई भी मान, कोई भी मान हो, ठीक है, कोई भी मान होने पर फंक्शन जो है एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है। मतलब यहाँ पर जब लैम्डा है ही नहीं तो मान क्या निकालो, कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर मेरे पास कोई नहीं है तो मैं किसी को कुछ भी बोलता रहा हूँ, कुछ भी कहता रहा हूँ, तो वही चीज़ है, तो कुछ भी। अब आप इसका होमवर्क ले लीजिए, x बराबर 1 पर आपको विचार करना है। तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पर x बराबर 1 पर विचार करें हम, तो ये लैम्डा की कितनी वैल्यू रखें, तो लैम्डा की आप कुछ भी वैल्यू मत रखो, लैम्डा को हटा ही दो, अब चेक करना, ठीक है। क्यों, लैम्डा के तो कोई भी मान हो तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे तो 1 मान कर चेक कर रहे हो आप, लैम्डा का 1 पर भी संतत होगा, असंतत होगा, तो आपको ये देखना है x बराबर 1 पर, अब चेक करना है x बराबर 1 पर, यहाँ पर रख देना 1 से बड़ा या छोटा, 1 से छोटा या बड़ा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है क्योंकि ये जो लिमिट है, ये वाली लिमिट कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, यहाँ पर 0 दे रखी है, यहाँ पर 0 दे रखी है, लेकिन यहाँ पर 1 पर चेक करना है, जो लिमिट आपकी 0 में दे रखी होती है और हम किसी दूसरी वैल्यू पर चेक कर रहे हैं तो दो हमेशा संतत आता है, तो आप लिख दोगे डायरेक्टली। अब होमवर्क क्या मैं ही करा दे रहा हूँ, x बराबर 1 पर क्या है, एफ एक्स संतत है, चाहे लैम्डा का मान कुछ भी हो, ठीक है, लैम्डा का मान कोई भी मान हो, लैम्डा का कुछ भी मान हो, x बराबर संतति आएगा, नहीं तो चेक कर लेना। क्यों, क्योंकि भाई जब ये लिमिट आपकी 0 दे रखी है तो 1 पर 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर 7 पर, यानी कि 0 छोड़कर बाकी सब पर तो आँख मीच के संतत कह दो,
कोई फंक्शन, जैसे ये तीन पर दे रखी है तो तीन छोड़ के बाकी सब पर तो संतत है, तीन पर चेक करके पता चलेगा संतत है या नहीं संतत है। तो मतलब कोई भी फंक्शन होता है जिस पर ये दे रखी होती है लिमिट, उससे छोड़कर बाकी सारे फंक्शनों पर क्या होती है वो संतत होता है। ये तो हमने पहले ही बताया था, ठीक है। आई होप इस ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब ज़्यादा लंबी वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप अच्छा सपोर्ट करोगे। मैं भी दो दो एक एक डेढ़ घंटा तक आपका चीखता रहता हूँ, 40-50 मिनट, और अच्छा रेस्पॉन्स मिलता नहीं है। इसीलिए ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स करो ताकि मेरे का भी मन लगे कि आपको एक घंटा नहीं दो दो घंटा एक एक एक्सरसाइज पूरी खत्म कराऊं एक एक दिन में एक एक वीडियो में, ठीक है। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा शेयर करनी पड़ेगी, स्टूडेंटों को जोड़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, इस चैनल को सपोर्ट करो, अपने दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करो। जय हिंद।